श्री रामलीला समिति आर्यनगर के तत्वाधान में सोमवार को वृंदावन के कलाकारों द्वारा नव यात्रा निकाली गई। सर्वविदित है कि भगवान राम के विवाह के बाद अयोध्या में भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी। इसी दौरान कैकेयी की दासी मंथरा द्वारा महाराज दशरथ से मांगे वरदान को प्राप्त करने का सही समय बताकर भ्रमित कर दिया गया। कैकेयी ने भरत के राज्याभिषेक व राम के 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। महाराज दशरथ दुखी मन से राम को वनगमन का आदेश दे दिया। रामलीला आर्यनगर की तरफ से आयोजित श्री राम वन यात्रा का शुभारंभ पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे व महामंत्री पुष्पदंत जैन ने किया। इस दौरान राम दरबार की आरती भी उतारी गई। वन यात्रा में सुसज्जित घोड़े व झांकियां आकर्षण का केंद्र थे। यह यात्रा श्री ठाकुर मदन मोहन जी मंदिर आर्यनगर से निकलकर बख्शीपुर, नखास, रेती रोड, घंटाघर, हिंदी बाजार, मदरसा, लाल डिग्गी, मिर्ज़ापुर, जाफरा बाजार, ईदगाह रोड, चरणलाल चौक होते हुए आर्यनगर आकर संपन्न हुई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पुष्पदंत जैन ने बताया। Thank you.
भगवान श्री राम, भैया लक्ष्मण, माता जानकी आज वनवास को जा रहे हैं, 14 वर्षों का वनवास, जिसके लिए जो है पिता की और माता की आज्ञा को पा करके और भगवान सब कुछ राजपाट त्याग करके और वन को 14 वर्षों के लिए जा रहे हैं। यह शोभा यात्रा पिछले 100 वर्षों से और आगे दिन से चली आ रही है और श्री रामलीला समिति आर नगर द्वारा आयोजित रामलीला मैदान मानसरोवर में भी 27 तारीख से रामलीला चल रही है और दिनांक 9 तक चलेगी। अनवरत वहाँ वृंदावन से आई हुई पार्टी है, उसकी रामलीला जो है वहाँ चल रही है और बहुत ही आकर्षक कलाकारों द्वारा वहाँ रामलीला का मंचन चल रहा है। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि रामलीला मैदान मानसरोवर में आकर के शाम को 7 बजे से रात को 10 बजे तक वहाँ रामलीला का आनंद लें और भगवान श्री राम के दिखाए हुए आदर्शों का पालन करें। यही हम सबका आज इस उपलक्ष्य में ये विनती है, प्रार्थना है और धर्म का लाभ है।